होगा तो यहाँ के लोगों को भी बड़ा फायदा है। क्या जैसे हमारे गर्मी हो तो हम लोग कहीं पानी भर दो वाटर वहाँ जाए यहाँ जाए बैठो हजारों रुपए खर्च करें ये 30 खर्चे 60 रुपए खर्चे आ गए यहाँ पे जिनका घर अपना पिकनिक खाना पीना डाल लेंगे यहाँ पे बस बना के दोपहर का सुबह आए आराम को बैठे पूरे दिन यहाँ इंजॉय करें शाम को घर जाए बिल्कुल। दोस्तों हम फेरी से उतरे हैं और अब हम जा रहे हैं तवान बीच की ओर। ये तवान बीच का नजारा है, आप ये देखिएगा कितना साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। देखिए कितना बिल्कुल ग्रीन ब्लू यहाँ का पानी है। अगर दुनिया के अच्छे बीचों में गिनती होती है कुछ नाम आते होंगे तो इस बीच का नाम जरूर आता होगा। ये जो तस्वीर लगी है ये थाईलैंड के राजा की है और थाईलैंड में राजा को भगवान का दर्जा प्राप्त है, भगवान की तरह लोग मानते हैं इनको। अब सोचा थोड़ा सा फ्रेश हुआ जाए और फ्रेश होने के बाद कुछ खाया जाए क्योंकि भूख भी लगी है, तो हम पहुंच गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में। इंतजार कर रहे हैं कि कोई वेटर आएगा और हमारी भी सुध लेगा, देखते हैं कितना इंतजार करना पड़ेगा। आखिर एक लंबे इंतजार के बाद एक वेटर हमें दिखाई दे ही गया और उसको बुलाया, पूछा खाने में क्या क्या है। ये जो लाल शर्ट में है ये इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, बहुत ही मिलनसार स्वभाव के हैं, अपने भारतीय हैं। खाने में दाल आलू राइस रोटी सलाद, टेस्ट एकदम लाजवाब। इस रेस्टोरेंट का नाम है सैफ्रोन इंडियन रेस्टोरेंट। आप यहाँ वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना खा सकते हैं, यहाँ पर बुफेट सिस्टम है और उसका चार्जेज मात्र 200 बात, बस शर्त यह है कि आपकी थाली में वेस्टेज नहीं बचना चाहिए, यदि वेस्टेज बचेगा तो पेनल्टी लगेगी। तवांग बीच का नजारा और देखिए थाईलैंड में अपना झंडा किस तरीके से लहरा रहा है। चलो चलते हैं बीच पर। बीच का बहुत सुंदर नजारा, सफेद रेत व्हाइट सैंड बहुत सुंदर।
यहाँ पर लोग धूप सेकते हैं, पर हमें जरूरत ही नहीं होती धूप सेकने की, क्योंकि तो हम तो ऑलरेडी रहते ही धूप में हैं। ये कुर्सी आप ले सकते हैं बैठने के लिए, पूरा दिन का किराया 100 बाट होता है इनका। चलो पानी के अंदर चलते हैं। थक गए भैया, बैठ के बनाते हैं आपके लिए वीडियो, यहीं से दिखाते हैं आपको सब कुछ। देखो एक छोटा बच्चा रेत का घर बनाता हुआ, बचपन में हमने बहुत बनाया है। दोस्तों कमेंट करके बताना किस किस ने इस तरीके से बचपन में रेत के घर बनाए। अब जो ये मोहतरमा खड़ी हैं कैप लगाए, ये ड्रंक है नशे में, और ये बाइक चला रही थी समुद्र के अंदर, जो वाटर बाइक होती है। अब नशे में गिर गई, वहाँ से चोट लगी, अब चोट दिखा रही है अपनी कि मुझे कैसे कैसे चोट लगी, कहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ से ऐसे गिरी। तो दोस्तों अगर आप भी पानी के अंदर बाइक चलाएं तो थोड़ा होशो हवास में, नहीं तो किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है। देखो अगर किसी को सिगरेट पीनी है, हालांकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अगर किसी को फिर भी पीनी है तो मैडम के पास जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। पसंद आए तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।